कार ओनर ने वीडियो बनाकर दिए सिटी थाना के दरोगा पर 20,000 रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया। मामला 18 जून का है, जहां सिटी थाना के दरोगा धनंजय कुमार चास के बंसीडीह निवासी अपने रिश्तेदार संजय प्रताप सिंह के साथ स्कूटी से चास से दुंदी बाजार जा रहे थे। उसी दौरान सेक्टर 2D काली मंदिर के पास मोड़ पर अचानक इनोवा कार के चालक द्वारा गाड़ी घुमा देने से स्कूटी में टक्कर हो गई। दुर्घटनाग्रस्त में दरोगा का बाया हाथ टूट गया और संजय भी जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी दोनों व्यक्तियों को अस्पताल भेजा तो वहीं कार जब्त कर थाने ले आई। लेकिन कार मालिक चंदन कुमार का आरोप है कि जब वो अपनी कार छुड़वाने दूसरे दिन थाना गया तो दरोगा ने 20,000 की रिश्वत मांगी और कहा कि पैसों की व्यवस्था कर दे। यही पर है हम लोग, हम कह दिए कि जो लगता है कीजिए, हम क्या बोलेंगे। तो बताया था, देखिए सुबह जी इनको हम साफ सब में कह दिए कि 20 कीजिए हो जाइए आप शाम को 15 कर देंगे, बाकी 5 करना चाहे परसों कर देंगे। पैसा नहीं है सर, इसी ऑफिस से 5 करेंगे, कल करेंगे। कह रहे हैं कि अभी गाड़ी लेके जाएंगे, शाम में ही आ जाएंगे ना फिर करने के लिए। अठारह छः 22 को सुबह करीब समय 7:30 बजे हम और मेरे मित्र हैं संजय प्रताप सिंह, चास के रहने वाले हैं, दोनों अपने स्कूटी से धुंधी बाग जा रहे थे। तो सेक्टर 2 काली मंदिर के पास हम लोग सड़क पे जा रहे थे तो एक इनोवा कार एकाएक बायां मोड़ दिया, जिसमें हम लोग दोनों ब्रेक एकाएक मारे ना तो गिर गए। आसपास के लोग हम लोगों को वहाँ पर से उठा के साइड किए, फिर पेट्रोलिंग पार्टी आकर के BGH इलाज कराने के लिए ले गई। हम लोग BGH से इलाज कराने के बाद आए तो गाड़ी को थाना लेकर के आ गए थे पेट्रोलिंग पार्टी। तो फिर वो बोला कि सर इलाज उलाज जो भी है करवा देते हैं सर, जो मोबाइल वोबाइल उनका टूटा है संजय प्रताप सिंह का, जो हम सब कर देंगे और सर कोई बात नहीं है, केस मत कीजिए सर, यही बात है। तो आरोप जो लगा रहे हैं कितना? वही बोला था कि मोबाइल वोबाइल जो टूटा है, खर्च हुआ है, जो भी है कर देंगे। मेरे जान पहचान के थे एक दो लोग, बनगड़िया प्रभारी हैं, अमित है LH का, एक और पत्रकार है मासूम, उन लोग फोन फोन करने लगे हमको, बोले कि छोड़ दीजिए गाड़ी, जो भी सर खर्चा वर्चा हुआ है इलाज उलाज में जो लगा है दे देंगे, हमको कोई 1 रुपया दिया भी नहीं है। और झूठा झूठा आरोप लगा करके पहले से धमकी दे रहा था, नहीं छोड़िएगा तो हम आपको फंसा देंगे, धमकी दे रहा था पहले से। क्या बोल रहा था? हाँ कि फंसा दिया जाएगा आपको, सस्पेंड करा दिया जाएगा, तो यही सब। ये जो वीडियो दिखा रहा है भाष नहीं? हाँ तो वो मेरे जो दोस्त हैं ना बनगड़िया में, वो सिंपैथी दिखाएं जिन जो गाड़ी मालिक थे कि सर मिलना चाहते हैं 2 मिनट आपसे, आपका हाथ टूट गया है मेरा गाड़ी से, जो भी है सर के कैसे चोट लगे है थोड़ा मिलना चाहते हैं। वही दरमियान मेरे पास गए और बोले कि सर जो इलाज का खर्चा है 15-20 जो भी है वो दे देंगे, यही बात हुआ है और कोई बात नहीं है कि हम उससे कुछ कहे हैं चाहे नहीं कहे हैं। नहीं तो पहले से पता नहीं ना था, बाद में ना पता चला कि मेरा वीडियो बनाया है, बाद में पता चला कि मेरे पास आया है वो वीडियो बनाया है। आप लोगों द्वारा अब क्या किया जाएगा उसके विरुद्ध में? FIR दर्ज हुआ है। ठीक।
सर मैं 18 तारीख को मॉर्निंग में ना सेक्टर 2 काली मंदिर के पास मेरा गाड़ी खड़ा था इनोवा, और उसी में मेरा इनोवा के पीछे साइड से वो आ रहे थे। अब गाड़ी के लगभग 8-10 फीट पहले ही अपने से गिर गए। स्कूटी सवार एक आदमी थे और सिटी थाना के थाना प्रभारी धनंजय कुमार जी गिर गए, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो हमको गाली गलौज करने लगे, तो जवाब में हम बोले कि मेरा क्या गलती है। तो फिर पता चला कि सिटी थाना का प्रभारी हैं। उसके बाद वहाँ के पब्लिक लोग भी बोला कि गाड़ी वाला का कोई गलती नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती स्टाफ को बुला करके मेरा गाड़ी सिटी थाना लेके चला है। उस दौरान में बातचीत के दौरान में मुझसे पैसा का डिमांड किया गया है, जिसका मैं वीडियो बना लिया हूँ। जब मैं एसपी साहब को दिया आवेदन 20 तारीख को, तो मेरे ऊपर 22 तारीख को FIR कर दिया गया है। उसमें पैसा का डिमांड है, इतना पैसा दीजिए, नहीं तो गाड़ी आपका 3 महीने खड़े खड़े चढ़ा देंगे, आपका लाइफ चौपट कर देंगे, बोकारो से भगा देंगे सब। वो मतलब धमकी उमकी दिया गया है हमको उस वीडियो। हाँ वो भी है, वो वीडियो में पूरा है। थाना थानेदार साहब खुद एक्सेप्ट किए हैं कि मेरे गाड़ी से उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, फिर भी वो अपना पुलिसिया ध्वंस हमको दिखा रहे थे। उनको बोला कि 15 मैं अभी दे देता हूँ, 5,000 रुपये 1-2 दिन में दे लीजिएगा। उन्होंने नहीं माना कि नहीं पूरा पैसा दीजिए तो ही गाड़ी छोड़ूंगा। तो मैं शाम को लगभग 6 बजे के आसपास पैसा पूरा दिया, और उसके बाद मैं गाड़ी घर अपना वापस ले गया। ये तो सिटी थाना में वो जो शेड बना हुआ है ना वहाँ पे नहीं मानते, जो पुलिस रक्षा करने वाला वो भक्षक हो गया है। हाँ सर, बहुत बड़ा भक्षक हो गया है। इसमें मामला ये है कि जैसा बताता है कंप्लेनेंट, इसका गाड़ी रोड से किनारे और ग्रास पर खड़ा था, और प्रभारी महोदय उनके साथ एक और सज्जन थे, स्कूटी सीखते सीखते पहले ही गिर गए। उसके बाद वो गाड़ी वाले को खोजे, बुलाए, उसके साथ गाली गलौज किए, और बाद में गाड़ी को पता चला उसके घर से टंगवा करके थाना पर मंगाए, और दिन भर बार्गेनिंग के बाद 20,000 रुपये इसे ठग लिए पुलिसिया ध्वज दिवा करके। और उसके बाद जब ये न्याय का गुहार किया SP साहब के यहाँ, तो उसको न्याय मिलने के बदले एक FIR इसके ऊपर हो गया कल के डेट में, 4 दिन के बाद। और झूठा एक वो बोलते हैं कि हमारा ये टूट गया वो टूट गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका अब जमानत हो गया है आज, और ये आज एक परिवाद पत्र CGM के यहाँ दाखिल किया इन दोनों को अभियुक्त बनाते हुए, और ठगी का मामला और घुसखोरी का मामला बताते हैं। किन को परिवादवाद में नाम दिया गया? एक ये है जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी थे धनंजय जी, और एक संजय नाम के आदमी है जिनसे प्रभारी महोदय ने केस करा है।